हेलो दोस्तों, आज हम हैं बिहार की राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पे। यहाँ शाम होते ही मेले जैसा माहौल बनने लगता है। लोग अपने परिवार के साथ यहाँ समय बिताने आते हैं। सैटरडे और संडे को तो बहुत भीड़ देखने को मिलती है। आज संडे हैं और हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं मरीन ड्राइव का। परिवार और दोस्तों के लिए ये जगह बेहद खूबसूरत है। रोड के दोनों साइड लगभग सैकड़ों ऐसी दुकानें हैं जहां खान पान की चीज़ें मिलती है। बिहार में आपको जितने भी फूड स्टॉल देखने को मिलते हैं वो सारे मरीन ड्राइव पर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, तो देखना है कि कहाँ पार्किंग अवेलेबल है। उसके बाद हम मरीन ड्राइव का लुत्फ़ उठाएंगे। बहुत देर से ड्राइव कर रहे हैं लेकिन कार पार्क करने की जगह अभी तक दिखी नहीं है। दोनों तरफ बस फूड स्टॉल दिख रहा है। पटना मरीन ड्राइव एक ऐसी जगह है जहां आपको हर तरह का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। यहां आपको सिर्फ चाइनीज़ मोमोज और फास्ट फूड ही नहीं बल्कि हेल्दी खाना भी, जैसे अंकुरित चने, झाल मूढ़ी जैसी चीज़ें, और कहीं कहीं कोई आपको बुजुर्ग दंपति लिट्टी या भुट्टे सेकता हुआ मिल जाएगा। फाइनली हमें पार्किंग की जगह मिल गई है जहां आप देख सकते हो बहुत सारी कार पार्क की हुई है। हमें बस रोड के दूसरी तरफ जाना है और कार पार्क करनी है। तो हमने अपनी कार पार्क कर ली है, तो चलिए अब चलते हैं हम वॉक पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और इंडिपेंडेंस डे के कारण तिरंगे के आकार में लाइट से पूरे पटना को डेकोरेट किया गया है। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है नीचे में, और वहाँ दूर दीघा पुल नज़र आ रहा है जो लाइट से सजाया गया है पूरा। यह दीघा पुल गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है।
तो हमने यहाँ खाना खा लिया है और मैंने अपने लिए एक वेज रोल लिया है रास्ते में खाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और घर की तरफ चलते हैं। जो आपको सामने में जो दीघा पुल दिख रहा है उसी पे जाना है हमको और उसी से होते हुए घर जाना है छपरा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरी अगली वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।